आपने बड़े बड़े जहाज बना दिए, बॉम्ब बना दिए, बॉर्डर्स बना दिए, जंग कर ली, आप सुपर पावर बन गए, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज एक छोटे से वायरस ने आपकी जिंदगी पे काबू पा लिया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। विस्मित तिवारी, एक बात पूछे, सच बताना, क्या तुझको पता था कि झाड़ू लगाते टाइम आगे बढ़ा जाता है और पोछा लगाते टाइम पीछे? पता था? आटा खत्म। मुझे तो चावल ही बनाना पड़ेगा। चल ठीक है, झंझट नहीं, जल्दी पक तो जाएगा। लुक, ये काफी मुश्किल है, एक बैचलर टाइप लड़के के साथ रहना 24 घंटे। आई डोंट थिंक सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसमें यार उस औरत ने 4 दिन से निकाया था, सरकार राशन कहाँ दिला रही है भैया? और मैं बस खड़ा ही रह गया। दुनिया में भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं। ठीक, जब तक उस बूढ़ी आंटी को खाना नहीं मिल जाता ना, इसमें तिवारी तुम्हारा भी उपवास है। हाँ हेलो दिव्या। हाँ हेलो दिव्या। हाँ मेरा मैसेज मिला, कुछ हो सकता है क्या? अरे नहीं यार, आज एक बूढ़ी आंटी को देखा जिन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। आई कांट बिलीव इट यार, हम कैसे देश में रह रहे हैं। मुझे हेल्प करना है, मतलब सब मुझे हेल्प करना है। हाँ हाँ पक्का करूंगा ना मैं, हाँ पक्का, डोंट वरी। अरे टाइम टेबल गया भाड़ में, तुम बताओ ना बस। ओफो, बख्त, एक भी कलम काम नहीं कर रहा है घर में, मुसीबत है। हाँ हाँ नजमा बेटा, हाँ वालेकुम सलाम। अरे कुछ नहीं भाई, एक भी पेन नहीं चल रहा घर में। हाँ अरे आटा दाल ही खरीदते रह गए, ये तो सोचा ही नहीं कि पेन भी खत्म हो सकता है। हाँ अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम लोगों की तरह लैपटॉप और फोन पे काम नहीं कर सकता। हाँ 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 अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, कल देखेंगे। हाँ सकीना बात कर रही हूँ, आपके घर में खाना बनाती है ना? हेलो हेलो, हाँ सकीना, सकीना बात कर रही हूँ। आंटी आंटी है क्या? हेलो हेलो हेलो, एड़ा है क्या, हंस क्या रहा है? चालू है, 2 दिन से यही चालू है मैडम, पगार के लिए फोन। अभी आप ही बताओ मैडम, हाँ ये महीने का पगार देना तो जरूरी है ना? अभी पगार नहीं देंगे तो क्या करेगी मैं, कैसे करेगी? ये नहीं बोली सरकार, बंद कर। आज बहुत अलग दिन है, 2 रीजन से।
फर्स्ट, आज मैंने लाइफ की पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी. आई हैड नेवर इमेजिन आई कुड राइट वन. एंड सेकंड, बॉयफ्रेंड से पहला झगड़ा. मतलब मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे फालतू की चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम होगी. अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड आई लाइक हार्ड बॉइल्ड एग्स एंड ही प्रेफर्स द योग टू बी रनी. बस सुबह सुबह से ताने मारने शुरू. तुम इतने हार्ड बॉइल्ड एग्स क्यों खाती हो? सॉफ्ट भी ट्राई किया करो, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट आता है. अरे हाँ हूँ मैं देसी, नहीं खाना मुझे तुम्हारे ये गीले गीले स्पेली एग्स. और तो फिर बॉयल ही क्यों करना, सीधे तोड़ के पी जाओ ना अंडा. दिस इज लिटरली हाउ इट स्टार्टेड, यू नो. एंड सुबह से नहीं बात की हमने. बाय द वे, मेरी स्टोरी का नाम है झगड़ा. पगार लेने के लिए निकल रही हूँ मैडम, अभी सब घर का चक्कर काटूंगी, देखते कौन कौन देगा. वैसे सब बोले हाँ देंगे करके, अब ऐसा बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा, जाकर मांगना तो पड़ेगा ना. निकलती हूँ मैडम मैं, आपके बिल्डिंग के नीचे आकर आपको फोन करती हूँ. हाँ हेलो दिव्या. हाँ मेरे घर के पास जो दुकानदार है, हाँ उससे मेरी बात हो गई है. उसने बोला है कि पैसा एडवांस में जो है वो पेटीएम कर दो, और किन किन लोगों को देना है उनका नाम नंबर लिस्ट दे दो. वही तो यार, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चाहिए. हाँ हाँ मैं करूँगा ना पक्का, डोंट वरी. ओके ओके, मैं अपने यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी लिस्ट उनको जल्दी भेजता हूँ. ठीक है, ओके ओके बाय. जरीन का फोन आया था अम्मी, वो कोविड वार्ड में उसकी ड्यूटी लगा रहे हैं. कह रही थी कि आप बताएं अबू क्या करूं, मना कर दूं क्या. वो उसे होटल लेकर जा रहे हैं, फिर वहां से 10 दिन के लिए कोविड वार्ड में ड्यूटी, और फिर 14 दिन का होटल में क्वारंटाइन, और फिर वापस ड्यूटी. तो अब मैं क्या कहता, वालिद भी हूं इंसान भी हूं. लिखते क्यों नहीं, क्या बड़बड़ा रही हो. तुम्हें लिखना चाहिए, लिखो. कैसे लिखूं, कलम ही नहीं है घर में. ये लो आप लिखो. सुहास के सोने और जगने का कोई सिस्टम ही नहीं है. मतलब एक बार तो लाइट बंद होनी चाहिए ना 24 घंटे में. मतलब मुझे तो पता ही नहीं चलता कि एक नया दिन शुरू हो गया. सुबह 6 से 7 से 8 बजे तक लाइट जलती रहेगी, रात भर जागी है और ऐसा क्या कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं. मुझे तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा इफ आई लिव लाइक दिस. हाँ हरी भाई. हाँ आपको मिला ना सामान, मतलब राशन पूरा 500 का लिया कि नहीं. अच्छा चलो सही है सही है. अरे अरे शुक्रिया की कोई बात ही नहीं हरी भाई. हाँ ठीक है ख्याल रखिए अपना ना. ओके और लगे तो बताइएगा. चलिए बाय. हाँ हाय दिव्या. हाँ मैं अभी वो तुम्हें लिस्ट ही भेज रहा था, मतलब हाँ फोटो ही भेजने वाला था उसका, बना लिया मैंने. हमारे इधर है 11 और आरए में कुछ 16 ट्राइबल हैं जो फंसे हुए हैं. हाँ उनका भी लिस्ट भेजता हूँ आपको. हाँ मतलब अभी फोटो भेज ही रहा हूँ. नहीं यार बूढ़ी आंटी का अभी तक पता नहीं चला, मुझे दिलवाना है उनको कैसे भी करके. अभी निकलूंगा देखूंगा एक बार. और 2000 का राशन, 1000 का सिलेंडर,
हजार का रे 500 का रेशन, 2, 3, 4 बार बार गिनने से बढ़ेगा थोड़ी। देखो ना मैडम कितना मिला, ये वो आपने दिया वो 3,000, वो टीवी वाले अंकल ने दिया, ये एक दीदी ने तो फोन ही नहीं उठाया, वो टावर वाली आंटी भी बोली अभी घर में पैसा नहीं है, बैंक जाना पड़ेगा, तो 10 दिन के बाद आना करके। एक भैया भी बोले कि आप अकाउंट का नंबर दे दो, मैं देता हूँ। ऐसे मना तो कोई नहीं किया, लेकिन क्या है ना, सब ऐसा गुस्से से बात किया। वो आपने पूछा इसके लिए बोला मैडम, अभी वो नमाज का वक्त हो रहा है ना। मैं बहुत ऑकवर्ड स्पेस में हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा घर नहीं है, अपने इंपल्सेस रोकने पड़ते हैं, फिजिकल स्पेस भी लिमिटेड है, मेंटल स्पेस भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। हमेशा एक अनस्पोकन सा डर रहता है कि कहीं कुछ बोल दिया और झगड़ा हो गया एंड सुहास आस्क्स मी टू लीव। तो जब गुस्सा आए तो स्केच करो। हिंदी के एक मशहूर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसे जिजीविषा कहा है, यानी के जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना, ये बहुत बड़ी चीज है अम्मी। अभिनेता अभिनय करता है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करता है, धोखेबाज धोखा देता है, लेकिन इन तमाम कामों में वही एक तमन्ना छिपी है, जीने की। जहां बात जीने पर आ गई तो उसके सामने ये सब काम एक जैसे मामूली लगते हैं। लेकिन सोचता हूं क्या इससे भी बड़ी कोई और चीज है। हाँ जरीन बेटा, ड्यूटी पर जाओ, हेलो 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 दिव्या, हेलो हेलो दिव्या, आंटी को मिल गया, हाँ फाइनली उनको मिल गया, यस हाँ बधाई हो, तुमको बधाई हो, यस 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 मुझे बधाई, ये आंटी को मिल गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।